Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope so you all are fine. Today we will discuss about almost three different topics. The one of them is the bacterial genome. First of all, you should know about it. The bacteria is a prokaryote. So how the genome of prokaryote is distributed? There is no nuclear envelope, no nuclear membrane is present in prokaryote. So bacteria is similarly, the bacterial genome is distributed similarly like the prokaryote's genome are somewhat different in organization. It is different in organization from bacteria, but its function is same. The function of genome is same like prokaryotes. Most of their genetic material of bacteria and jo bacteria ka jo genomic material jo hota hai, genetic material jo hota hai, wo nucleide ke andar present hota hai. Nucleide bhi jo hai wo nuclear ki tarah hi jo hai wo ek pore hota hai, lekin specific jo hai wo nucleus nahi hota hai, theek hai. न्यूक्लाइड के अंदर प्रेजेंट होगा और कुछ जो उसका पोर्शन है वो प्लाज्मिड के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ठीक है. नाउ व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. इन मोस्ट वायरसेस एंड प्रोकैरियोट्स द सिंगल सेट ऑफ जीन इज स्टोर्ड इन सिंगल क्रोमोसोम्स. अब इसमें जो है वो सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है. यूकैरियोट्स में जो है वो मैनी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम होता है और सर्कुलर फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होता है. प्रोकैरियोटिक जीनोम आर एग्जेम्प्लीफाइड बाय ईकोलाई क्रोमोसोम. जस्ट ईकोलाई के क्रोमोसोम्स को देख लें तो वो सारा बैक्टीरिया जो है उसका सारा स्केच जो है वो आ जाता है. इसकी लेंथ 4.6 मिलियन बेस पेयर होती है. डीएनए इज पैकेज्ड इनटू अ रीजन, उसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं, डेट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. अब ये जीनोम की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है, किस तरह से ये ऑर्गेनाइज हुआ है. कोई जो है वो स्पेसिफिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इसके, सिंपली जो है वो जीनोम डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है और उसमें कोई इंट्रॉन या हिस्ट्रॉन्स भी नहीं है. व्हाट आर हिस्ट्रॉन्स? हिस्ट्रॉन्स आर प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स. जब डीएनए के साथ हिस्ट्रॉन्स मिलते हैं ना तो दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट. यहाँ पे प्रोकैरियोट के केस में कोई भी हिस्ट्रॉन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती. सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, बट मे बी अ लीनियर मॉलिक्यूल इन सम मेजर ग्रुप्स. लीनियर भी होता है कुछ फॉर्म में, ठीक है. मोस्टली जो यूकैरियोट होते हैं उनके अंदर लीनियर जो है वो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लीनियर फॉर्म में डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. लेकिन प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया के अंदर किस फॉर्म में होता है? सर्कुलर फॉर्म में होता है. यहाँ पे भी सम केसेस में जो है वो लीनियर होता है. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स आर न्यूक्लिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट. यहाँ पे जो है वो जस्ट ये डीएनए मटेरियल जो है वो यूं से स्प्रेड हुआ हुआ है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स आ गया और दूसरा उसका जो है वो सर्कुलर फॉर्म में प्लाज्मिड के साथ. प्लाज्मिड को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं, ठीक है. इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है. ये वायरस है, यू हैवंट एनी कंसर्न विद इट. नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक वायरस से ट्रू प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक जीनोम. आप सिंपली इसको देख लें, आपको जो है वो समझ आ जाएगा कि यूकैरियोट में किस तरह से होता है और प्रोकैरियोट में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है. प्रोकैरियोटिक जीनोम जो है वो स्मॉल होता है, यूकैरियोटिक जीनोम इज लार्जर. प्रोकैरियोटिक जीनोम सर्कुलर होता है, सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है और जो यूकैरियोटिक जीनोम है वो लीनियर फॉर्म में एलोंगेटेड जो है वो पड़ा हुआ होता है. प्रोकैरियोटिक जीनोम आर हैप्लॉइड एंड यूकैरियोटिक जीनोम इज डिप्लॉइड. अब प्रोकैरियोटिक जीनोम जो है वो हैप्लॉइड होता है और यूकैरियोटिक डिप्लॉइड होता है, बट इन सम स्टेजेस प्रोकैरियोटिक जीनोम जो है वो भी डिप्लॉइड की तरह एक्ट कर रहा होता है, ठीक है. वो किस तरह से, वो कौन सी स्टेज आती है? जिस टाइम पे बैक्टीरिया बिल्कुल प्रिपेयर होता है, रेडी होता है अपनी रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है. जब उसने जो है वो मीन्स के टू में अपने डिवाइड होना होता है, जब उसने अपनी कॉपी बनानी होती है, तो एक तो बैक्टीरिया अपने साइज़ में इंक्रीज़ होगा, ठीक है. एक वो साइज़ में इंक्रीज होगा, साइज़ में इंक्रीज़ होने के बाद वो जो उसका जो न्यूक्लिक मटेरियल होगा, जो उसका जेनेटिक मटेरियल होगा, वो भी उसकी भी जो है वो एक कॉपी बनाएगा. अभी वो सेपरेट नहीं हुआ, जस्ट उसने अपनी कॉपी बनाई है वहाँ पर साइज को इंक्रीज करके, तो वहां पे वो डिप्लॉइड क्रोमोसोम होगा. क्लियर है? कौन सा स्टेज आ रहा है? जब वो बिल्कुल रेडी है रेप्लिकेशन के लिए, कॉपी बनाने के लिए, डिवीजन के लिए, लेकिन अभी हुआ नहीं है, एक ही उसमें प्रेजेंट है, तो वो उस टाइम डिप्लॉइड क्रोमोसोम होगा. जब वो आगे डिवाइड होकर टू में चला गया, अगेन वो जो है वो हैप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है. लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका डिप्लॉइड होता है. डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन. प्रोकैरियोट्स में उनके अंदर कोई भी हिस्टोन नहीं होता और ये डीएनए जो है उसके अंदर हिस्टोन होते हैं. दे आर कंडेंस इन न्यूक्लियाइड. ये जो है वो न्यूक्लियाइड के अंदर ही प्रेजेंट होता है और बहुत ज़्यादा कॉयल, सुपर कॉयल फॉर्म में होता है. और जो यूकैरियोटिक होता है वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है. मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया. नाउ व्हाट इज़ द साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया? मॉर्फोलॉजी मीन्स शेप ऑफ बैक्टीरिया. ओके, शेप, मॉर्फोलॉजी डिटेक्ट द शेप्स. अब इसकी जो है वो साइज़ क्या होता है? बैक्टीरिया का जो साइज़ है वो 2 to 10 माइक्रोमीटर मीटर लेंथ होता है और 0.2 to 2 माइक्रोमीटर जो है वो उसका डायमीटर होता है.
अब मॉर्फोलॉजी शेप वो बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स आ जाती हैं, ठीक है। आपकी बुक में जो है वो थ्री मेंशन है, कोकाई है, एक बेसिलाई है और तीसरी जो है वो स्पायरल है, लेकिन इसकी डिफरेंट जो है वो शेप्स आ जाती हैं। ये सारी जो है वो बैक्टीरिया की शेप्स हैं। द फर्स्ट वन इज कोकाई, बेसिलाई, विब्रोइस, स्पायरला, स्पायरोकेट्स, स्पायरोकेटिस, एक्टिनोमाइसीट और लास्ट वन इज माइकोप्लाज्मा। फर्स्ट वन इसको कहा जाता है कोकाई जो है, इनकी किस तरह की शेप होती है, स्फेरिकल ओवल शेप होती है, ठीक है। ग्रीक वर्ड कोकस से ये निकले हैं, जिसका मतलब है बेरी, बेरी के जिस तरह से होते हैं ना उस तरह की शेप होती है। इनकी एग्जांपल क्या है, माइक्रो कोकस। ये देखें ये बिल्कुल राउंड फॉर्म में जो है ये सारे प्रेजेंट है, ये मीन्स कि ओवल सी जो है इनकी शेप है। ये जो है ये क्या है, ओकोकाई आ जाते हैं और उसकी एग्जाम्पल क्या है, माइक्रो कोकस आ जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो है वो कोई भी जो है वो इलोंगेटेड, वो फ्लैजेला और वो वाली चीज़ जो है वो प्रेजेंट नहीं होती जिसकी वजह से वो मूव कर सकें। जिस तरह से आप कह सकते हैं सिलिया जो है वो मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं, फ्लैजेला हेल्प कर रहे होते हैं, वो चीज़ इनके अंदर नहीं प्रेजेंट, तो डैट्स वाई दे आर नॉन मोटाइल। ये जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकते अपनी। अब ये जो है कोकाई जो है इनमें भी डिफरेंट अरेंजमेंट आ जाती है। किस तरह से ये सारी जो है ये जो अरेंजमेंट थी हुई है ना बैक्टेरियल सेल की, ये इन कोकाई की जो है वो अरेंजमेंट थी हुई है। डिप्लोकोकाई, स्ट्रिप्टोकोकाई, टेट्राकोकाई, स्टेप्लोकोकाई और नेक्स्ट वन इज सेरकिनाई। अब ये सारी जो है वो उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। ये डिप्लोकोकाई आ जाते हैं, देखें हैं वही, दो ही वही हैं, शेप इनकी बिल्कुल सेम है कोकाई की तरह, लेकिन वो डबल डबल जो है वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, डेट्स वाई दे आर कॉल्ड डिप्लोकोकाई। नेक्स्ट वन इज स्ट्रिप्टोकोकाई। स्ट्रिप्टोकोकाई जो है वो हैं ये वन प्लेन में। वन प्लेन का क्या मतलब है कि ये देखें ये एक ही जो है वो चेन है, डबल नहीं है, ये वन प्लेन में ये प्रेजेंट है, वन प्लेन में प्रेजेंट है और इसमें जो है वो इसमें बहुत सारी जो है वो अटैच हो जाते हैं, एक चेन की जो है ये फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इज स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। टेट्राकोकाई, अब टेट्राकोकाई जो है ये फोर फोर, मतलब टेट्रा फोर ना, ये फोर फोर प्रेजेंट होंगे लेकिन ये टू प्लेन्स में। अब टू प्लेन्स के आ जाते हैं, ये देखें ये इनकी अगर इनकी रो बने तो ये जो है वो टू टू बनेंगे, ये टू टू जो है आपस में जुड़े हुए हैं, एक साइड से भी टू हैं दूसरी साइड से भी टू हैं, डेट्स वाई दे आर टू प्लेन। इनका जो है वो टू प्लेन है और ये फोर फोर जो है आपस में कंबाइन हुए हुए हैं, और इसकी एग्जाम्पल आ जाती है गैफिका टेट्रानेगिना। अरेंजमेंट ऑफ बैक्टेरियल सेल, ये रिपीट हो गया सॉरी। अच्छा ये टेट्राकोकाई आ जाते हैं, टेट्राकोकाई के बाद जो वो नेक्स्ट आ जाता है बेसिलाई। अब बेसिलाई जो है उनकी क्या शेप होती है, ये रॉड शेप के होते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो आ जाती है वो बेसिलाई एंथ्रेक्स आ जाते हैं, ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुए हैं, विट्स मीन्स स्टिकी, स्टिकी होते हैं। और सम इनमें से इस तरह भी होते हैं, कुछ बेसिलाई इस तरह भी होते हैं जिनके डायमीटर और लेंथ जो है वो आपस में इक्वल होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ विब्रोइस। विब्रोइस में क्या आ जाता है, इनकी शेप किस तरह की होती है, ये कॉमा लाइक शेप होती है, जिसमें कॉमा नहीं बनाते, कर्व रॉड जो बना होता है लेकिन वो कर्व फॉर्म में होता है, और इसकी बेस्ट एग्जांपल है विब्रोइस कॉमा। नेक्स्ट वन इज स्पायरल, ये जस्ट जो है वो उनकी शेप की बेस पे जो है वो उनको नेम दिया हुआ है, ठीक है, इसमें और कोई भी चीज़ नहीं आ जाती। स्पायरेला क्या होते हैं, ये थोड़े से लॉन्ग होते हैं, रिजिड होते हैं, होते हैं रॉड शेप के, और जिस तरह से वो कॉयल नहीं बनी हुई होती, ये देखें ये जो है वो कॉयल की तरह का जो है वो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ, दे हैव हेलिकल शेप एंड रिजिड बॉडी होती है इनकी। अब इसकी एग्जांपल आ जाती है स्पायरिलियम रोपरम। नेक्स्ट वन है स्पायरोकेटस। स्पायरोकेटस जो है ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इससे जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है लेकिन ये ज़्यादा कॉयल बना हुआ है, और स्पायरोकेटस जो है ये थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा जो है वो यहाँ से राउंड आ रहा है, ये देखें ये इसमें जो है वो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है। नेक्स्ट माइकोप्लाज्मा एक्टिनोमाइसिट, आई थिंक स्किप हो गया। एक्टिनोमाइटिस जो है उसकी जो शेप आती है वो इस फिलामेंटस लाइक आ जाती है, जिसमें फिलामेंट नहीं बने होते, एलोंगेटेड फिलामेंट्स जो है वो जैसे एक ही चीज़ से जो है बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही होती हैं, इस तरह की एक्टिनोमाइसिट की शेप होती है। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा दे आर सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया, इनकी सेल वॉल नहीं होती। हम लोगों ने पहले भी जो है वो एक दफ़ा डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों को बताया था एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रेजेंट है, ये ओनली वन बैक्टीरिया जिसके जो है वो स्पेसिफिक कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है इनके अंदर, ठीक है। दे अकर एज राउंड और ओवल बॉडी विद इंटरलेसिंग फिलामेंट, ये देखें इनके साथ जो है वो फिलामेंट अटैच है, ये एक से दूसरे को जो है वो इन्होंने कनेक्ट किए हुए। माइकोप्लाज्मा आर द ओनली बैक्टीरिया विच लैक सेल वॉल। नेक्स्ट बैक्टीरियल स्पोर आ जाता है, आई एम गोइंग टू डिस्कस इट इन नेक्स्ट